हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग दोस्तों? तो फाइनली दोस्तों अभी सुबह हो गया और हमारे यहाँ दोस्तों पूरी रात लाइट नहीं थी, 2-3 दिन से बिगड़ी है, इसलिए हमारा वीडियो आ भी नहीं रहा दोस्तों। काफ़ी दिक्कत हो रहा है वीडियो लोड करने में, क्योंकि अभी चल रहा हूँ लाइट बनवाऊँगा पहले। और भाई पूरे घर में अंधेरा अंधेरा रात हो रहा है। और कैसे रात बीता? बहुत बुरा। तो भाई जब रात को लाइट नहीं आता तो नींद भी नहीं आता, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं दोस्तों गांव में। और क्या होता, हवा बिल्कुल नहीं लगता हमारे घर पे, क्योंकि तो घर थोड़ा सा नीचा है तो चारों तरफ से कवर है। इधर से भी दीवार है, इधर से मढ़हा है दोस्तों, इधर से भी कवर है। ये थोड़ा सा सांस है और रोड से काफ़ी गहरा हमारा घर है, जो भी हवा चलता उधर रोड पर लगता है, इधर बिल्कुल नहीं लगता। तो काफ़ी दिक्कत हुआ। और दोस्तों अभी हम फूल लगाए थे ये दीवार के अरेरे, कुछ फूल तो भी जी रहे हैं, और इधर जो भी लगा था वो सब मतलब ख़राब गए। तो एक ही पेड़ लगा है अभी, देख सकते हो, या एक पेड़ लगा हुआ बस, और सारे ख़राब गए दोस्तों अभी, देख सकते हो। भाई पहले लाइट ठीक कराता हूँ, क्योंकि लाइट के बिना रात को 2 दिन से नींद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। तो उधर उस साइड में लाइट रहता है और इधर से बिल्कुल नहीं रहता इस साइड में। तो अभी जहाँ जहाँ भी कवर है, जहाँ जहाँ पे, तो भाई फाइनली इतना काट के साफ़ सुथरा हो गया, अभी देख सकते हो पूरा कटाई हो गया। अभी तार पूरा दिख रहा है, देख सकते हो पूरा अच्छे से साफ कर दिया भाई। प्रिंस आइए भाई, लोग आइए आइए आइए। हाँ दोस्तों, आप लोग ठीक हो? हम भी ठीक हैं। चलते हैं, आज बनाते हैं आलू की पूड़ी परेठा, और आप लोग को दिखाएंगे बनाकर। आलू धर दिया है चूरने के लिए दोस्तों, उबल रही है देख सकते हो। और मसाला में पीसने के लिए और हल्दी धर दिया है दोस्तों, ये भूखी धनिया और सूखी और हरा मिर्चा, हरा धनिया और लहसुन, नमक धर दिया है। चलते हैं इसको पीसते हैं दोस्तों बट्टा पर, आप लोग को दिखाएंगे पीस कर। चलते हैं आटा गूंथते हैं, गेहूं के आटा नमक में और मसाला के पानी, चलते हैं इसको गूंथते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों धर लिया है आलू फोड़ कर उबाल कर, इसको ये मसाला पीस कर धर लिया है बट्टा पर, ये हरा धनिया, ये जवाइन और ये मेथी, ये सोवा है। चलते हैं दोस्तों इसको तड़का मारते हैं, आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। चलते हैं इसको छोड़ते हैं मेथी पहले तड़के में, फिर इसके बाद जवाइन छोड़ते हैं दोस्तों। चलते हैं मसाला इसको छोड़ते हैं, इसमें भूनते हैं अच्छे से दोस्तों। चलते हैं मसाला हो गया है, चलते हैं इसको आलू छोड़ते हैं अच्छे से, इसको भूनते हैं इसमें पलट के दोस्तों। इसको मिला दिया है, चलते हैं इसमें सोवा डालते हैं, ये हरा सोवा, इसमें धनिया छोड़ देते हैं सब अच्छे से, इसको मिक्सर कर देते हैं दोस्तों अच्छे से। दोस्तों गेहूं के आटा की टिकई बना लिया है, मसाला आलू के मसाला ठिकवा लिया है, चलते हैं इसको भरते हैं फटाफट। इसको मोड़ देते हैं दोस्तों ऐसे, चलते हैं इसको फटाफट बेलते हैं दोस्तों अच्छे से। पुराना आलू है दोस्तों, इसीलिए फट रहा है। चलते हैं इसको छोड़ते हैं दोस्तों, इसमें बार देते हैं थोड़ा, चलते हैं दोस्तों इनमें लगाते हैं तेल, सरसों के तेल घर कर।
चलते हैं इसको पलटते हैं दोस्तों। देख सकते हो आलू पूरी कितनी अच्छी सी बन गई है, कितनी कड़ी कड़ी और कितनी खूबसूरत दिखा रही है दोस्तों। चलते हैं परसते हैं, फिर इसके पापा को खा के बताएंगे खा के कैसे है कैसे नहीं। तो दोस्तों अभी देख सकते हो ये भाई चटनी है, इसमें बहुत अच्छी भाई टेस्टी चटनी बनाया हूँ, और ये है परोठा स्पेशल बना हुआ। तो चल के खा के चेक करते हैं, काफ़ी शानदार भाई आलू भरी हुए पूरा एकदम फुल आलू आलू दिख रहा है। तो खा के चेक करते हैं भाई। हाँ हाँ लाजवाब दोस्तों, और काफ़ी टेस्टी लग रहा है चटनी के साथ भाई परोठा। वैसे भी सूखा भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा बन रहा है। ओके बाय दोस्तों।